तमाम एरिया के लोगों ने आज बहुत ही ज़बरदस्त जोश और जज्बे के साथ जश्न मनाया है। 70 सालों की एक पुरानी मांग को, जो कि यहाँ टंगढार केरन करना कुपवाड़ा के लोगों की मांग थी कि यहाँ साधना टनल इसकी घोषणा की जाए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और हमारे सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी साहब ने 13,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले साधना टनल जो कुपवाड़ा और करना को आपस में जोड़ेगा, इसकी मंजूरी दी है। आज पूरे इस वादी करना में और कुपवाड़ा में, हंदवाड़ा में, बारामूला में आज बहुत ज़बरदस्त जश्न मनाया जा रहा है। आज यहाँ के नौजवान नाच रहे हैं, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, आज एक प्रकार का जश्न है। दिवाली और ईद जैसा त्यौहार जैसे खुशी का होता है। इस साधना टनल की अनाउंसमेंट के बाद, इसके ऐलान के बाद जो मोदी साहब ने किया है, आज इस पूरे वादिये करना में और कुपवाड़ा में जश्न है। मैं मोदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस बॉर्डर के इस एरिए में यहां के लोगों के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत की है। 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के हुक्मरानों ने यहां के लोगों को ज़बा किया, यहां के लोगों को दबाया, क्योंकि ये लोग हिंदुस्तानी हैं, दिल से हिंदुस्तान से प्यार करते हैं और यहां पहाड़ी और गुजर लोग हैं जो वतन परस्त और हुब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले लोग थे। एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने इनको दबाया, लेकिन आज मोदी साहब ने इस टनल, साधना टनल को बनाने के अनाउंसमेंट के बाद इस पूरी वादिये करना और कुपवाड़ा में ज़बरदस्त जश्न है। मैं लोगों को मुबारकबाद देता हूं और मोदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कश्मीर जो है टॉप पे है अनएम्प्लॉयमेंट में, और उसी का इम्पैक्ट जो है टंगडार में भी देखा जा रहा है, करना के इलाके में। देखिए, पिछले 2 साल में हम सब जानते हैं कोरोना महामारी का लॉकडाउन रहा, पूरी दुनिया में जो है वो आर्थिक मंदी आई, फाइनेंशियल क्रंच आया, और उसके साथ साथ जो है बहुत सारे बड़े पैमाने पर प्रॉब्लम्स आई। लेकिन उसके बावजूद जम्मू कश्मीर की सरकार ने, मोदी साहब ने, पहले जेके बैंक में रिक्रूटमेंट, पुलिस में रिक्रूटमेंट, पैरामिलिट्री फोर्सेस में रिक्रूटमेंट, अब अलग अलग डिपार्टमेंटों के में रिक्रूटमेंट शुरू की गई है। बच्चे जो है कम्पीट नहीं कर सकते बाहर के बच्चों के, क्योंकि फॉरफ्लंग एरिया है, तो स्पेशल पैकेज क्या करना के लिए कोई ऐसे अनाउंसमेंट? देखिए, यहाँ मैंने पहले कहा कि ये बॉर्डर का LOC का एरिया है। यहाँ आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ के, जब यहाँ टनल का काम शुरू होगा तो बड़े पैमाने पर यहाँ जो हमारे नौजवानों को वहाँ रोज़गार मिलेगा, इसके साथ साथ जब यहाँ टूरिज़्म बढ़ावा होगा उसका भी लाभ होगा, और साथ में यहाँ नेशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट NHPC के कुछ प्रोजेक्ट हम लाना चाहते हैं, और हमारी कोशिश है कि यहाँ के नौजवानों को भी रोज़गार मिले। सर, ड्रग्स की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 70% तक यूथ जो है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, तो उसके हवाले। देखिए, ये बड़ी बदनसीबी है कि यहाँ हमारे जो हमसाया पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ से ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, और इस एरिया में इस किस्म की ड्रग्स, नशे की लत बढ़ रही है। ये एक चिंता का विषय है। यहाँ पुलिस इंतज़ामिया, सिविल इंतज़ामिया इसको कंट्रोल करने की कोशिशें कर रही हैं। वहाँ मैं तमाम लोगों से भी, नौजवानों से, बुज़ुर्गों से, BDC DDC पंचों सरपंचों से भी गुजारिश करता हूँ कि हमको अपने माशरे का ख्याल रखना है, अपने लोगों में अवेयरनेस करनी है, और इस बला से अपने बच्चों को बचाना है।